रहता आ जाना कोई दिक्कत ना आदमी खा जाएगा भाई क्या रही है खिड़की खोल ली अपनी रोक रहे हैं ला लगा पत्थर फटुआ था बराबर ले बराबर ले बोल पर रख ट्रक राइफल तो ही आज काहे की मांग ली और कई दिन से लग रहे हैं हम गाड़ियों के चक्कर में वो छोरा आज गोली लेकर चला गया तो घर राइफल धरी है वो और होता ना मजा जब आता। साथियों को नमस्कार, जय हिंद। अभी हाल ही में नवरात्रे समाप्त हुए, बल्कि इनफैक्ट दो दिन पहले कहीं तो चल ही रहे थे, और साथ ही साथ रमजान का भी एक पर्व था जहाँ पे हर्षोल्लास के साथ जो है देश में भाईचारा और एकता बनाने पर जोर दिया जाता है कि दोनों के एक साथ जो है त्यौहार पड़े अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। लेकिन एक दोहरा चेहरा सामने आता है जब दिल्ली देश की राजधानी से सटे गुड़गांव साइबर सिटी के आसपास की मामला है। यहाँ पे कुछ लोग गायों को उठा लेते हैं, गौ तस्कर जो होते हैं गायों को चोरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं, जो कि मेवात नूह के बताए गए हैं। अभी गायों को चोरी करके गाड़ी में ले जा रहे होते हैं, तो यदि बात करें DCP क्राइम गुड़गांव की तो राजीव देसवाल के मुताबिक सेक्टर 29 के आसपास जो है तकरीबन 6-7 गायों की चोरी की खबर आई थी। जब खबर मिलती है तो पुलिस नाकेबंदी कर देती है, सतर्क रहती है, साथ ही साथ कुछ गौ सेवक गौ रक्षकों को भी इसकी जानकारी मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ है उस इलाके में, तो वो भी प्रोएक्टिवली अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौ रक्षकों का काम यही होता है कि उनको पता होता है कि इस एरिए में जो है आपराधिक तरीके से गायों को उठाया जाता है, मारा काटा जाता है। अब ये जो हमने टीम के साथ गाड़ियां लेके बॉर्डर्स के आसपास खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, कई बार पुलिस से पहले सतर्क होकर हट जाते हैं, तो अब होता क्या है जब इनको भांप पड़ती है कि गाय की तस्करी की जा रही है, जिस 407 में इन गायों को छुपाया गया था, ये उसका पीछा करते हैं, तभी वहाँ से फायरिंग होने लगती है, गोलियां चलने लगती हैं गौ तस्करों की तरफ से। तो जो गौ रक्षक हैं और जो पुलिस पार्टी जो पीछा कर रही थी जो बताया गया है, इनके बीच जो है क्रॉस फायर होता है। पर मुझे लगता है कि पुलिस पार्टी होती तो ओवरटेक करके गाड़ी को रोक लेती, वहीं पर जो है अपना ऑपरेशन को अंजाम देती। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 22 किलोमीटर तक वो 460 ट्रक भागता रहा और टायर पंचर होने के बाद तमाम गायों को गिराता रहा। गायों को गिराने की मंशा ये बताई गई है कि वो पीछे से गायों को गिरा रहा था ताकि जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं गौ रक्षकों की और पुलिस पार्टी की वो डिस्टर्ब हो जाएं और पलट जाएं। इतनी मतलब हौसले बुलंद हैं इन लोगों के जो सरेआम जो है गायों को चोरी करते हैं और काटते हैं, कसाईयों की तरह ले जाते हैं, ऊपर से पुलिस और गौ रक्षकों के ऊपर दिन दहाड़े इतनी बड़ी गुंडागर्दी अपने आप में बहुत बड़े सवाल निशान खड़ा करता है कि लॉ एंड ऑर्डर और इन लोगों में कितना खौफ है कानून का। चलिए अब दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होने लगती है, गोलियां चलने लगती हैं। मैं फिर से घूम के वहीं आता हूँ, मेरा दिमाग ठनकता है सोचे कि 22 किलोमीटर तक कैसे वो चलता रहा, क्यों नहीं पहले ही रोक लिया गया उस रोड पर उसको ओवरटेक करके, ताकि और गायों की चोट लगने से जान बचाई जा सकती है, कि जिस तरीके से वो गायों को चलते ट्रक से 407 से फेंक रहे थे। अब भौंडसी के पास टोल प्लाजा पड़ता है, वहाँ पे इस 407 को रोक लिया जाता है, पुलिस नाकाबंदी भी होती है। उसके बाद जो है इनसे कुछ अवैध हथियार और कुछ कारतूस बरामद किए जाते हैं जो कि मीडिया खबरों में आ रहा है। बताया गया कि 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही साथ 2 लोग इतने डर गए थे कि वो फ्लाईओवर से ही कूद गए, कूदने के बाद उनकी हड्डियां अच्छी खासी टूट गई हैं, वो चलने की हालत में नहीं है, और 2 जो है फरार भी बताए गए कि शायद हो गए थे। तो सोचने वाली बात ये आती है कि हम अपने देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे एकता की तो बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये जिस तरीके से ये शांति का प्रतीक देते हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, गौ माता का संहार करते हैं, काटते हैं, खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल निशान खड़ा कर देता है आपसी भाईचारे पे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे। तो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ये मेवात नूह के हैं अपराधी, इनके नाम भी थोड़ा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नाम इनके बताए गए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, एक बल्लू है, तस्लीम है, शाहिद है, खालिद है, और एक कोई पापा के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। बेटा पापा तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम हरियाणा में हरकतें कर रहे हो, यदि यूपी पुलिस में या यूपी में आप ये लोग हरकतें कर रहे होते तो तुम्हारे पापा जो बैठे हैं ना योगी जी तुम्हें बता देते कि पापा क्या होता है और दादा क्या होता है और परदादा क्या होता है। जब अभी हाल ही में एक
सोनू नाम का बदमाश, इसका नाम आसिफ कुछ ऐसे ही थे, नाम बदलता रहता था। गौ तस्करी में 25,000 का इनामी था। पुलिस ने ट्रैप लगाया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पहुंचा दिया इसके असल ठिकाने पे। सीधा पैर के नीचे गोलियां ठोकती है, उसके बाद बात करती है उत्तर प्रदेश पुलिस। तभी खौफ है, लोगों में दहशत फैलाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो ये दहशत मुझे लगता है हर एक राज्य में होनी चाहिए पुलिस की, कानून की, ताकि उनको ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस विषय पर, इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। और अब दूसरी बात ये आती है कि गौ माता तो वैसे कूड़े के ढेर पे घूम रही होती है, वैसे गौरक्षक की बात करते हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कूड़े के ढेर पे, जहाँ पे तमाम जानवर, सुअर भी थे, गाय भी थी, सब कूड़े के ढेर पे खाना खा रहे थे। देख के आत्मा रोती है, आँखों से आंसू आते हैं उन लोगों के जो वाकई जीवों से प्यार करते हैं, हमारे जैसे जो सच्चे लोग जो जीवों से प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जब उनकी हालत देखते हैं तो तरस भी आता है और क्रोध भी आता है उन लोगों के ऊपर जो पहले तो गाय का दूध पीते हैं, जब बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है, बीमार हो जाती है, तो उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है। अपने आप को ऐसे लोग सनातनी हिंदू कहना बंद करें जो इस टाइप की घटिया हरकतें करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं तो बहुत मतलब ही हो। इतना ही नहीं, जब गाय के बछड़ा पैदा होता है, क्योंकि वो बच्चिया तो है नहीं जो बड़ी होकर दूध देगी, बछड़े को बेचारे को 10 दिन के 5 दिन के बच्चे को सड़क पर अकेला छोड़ देते हैं गाय से दूर, ताकि वो अपने आप भटके, कूड़ा खाए, बाकी जो भटक रही हैं कूड़ेदान में गाय उनके साथ घूमता रहे। तो बहुत ही भयावह दृश्य होता है, आंखें रो पड़ती हैं। ऐसे तमाम वीडियोस भी आपको मैंने दिखाए हैं जब ऐसे गायों के, इनके बछड़ों को हमने रेस्क्यू किया है, इनको अस्पताल तक पहुंचाया, जब रोड पे गाड़ियां टक्कर मार के जो है रोड पे ट्रैफिक वहां से निकल रहा होता है, और ये सो कॉल्ड अपने आप को गौ माता के रक्षक बोलने वाले खुद हमारे ही सनातनी लोग तमाशा देख के सड़क के साइड से गाड़ी करके निकल रहे होते हैं। तो बड़ा ही शर्मनाक वो माहौल होता है जब ऐसे तथ्यों को भी देखते हैं। तो समाज को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये प्रण लीजिए कि यदि आप गाय पालते हैं तो मरते दम तक उसको अंतिम सांस तक अपने पास परिवार की तरह रखेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आने वाली जनरेशन को भी सिखाइएगा। और ये जो डेयरी के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके ऊपर भी काबू पाने के लिए कई बार तो बोला जाता है बायकॉट मिल्क टू अवॉइड सच इंसिडेंट, लेकिन जो घर में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, ढंग से रखते हैं हमारी तरह, वो भी एक अलग दूसरा पहलू हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में मेरा जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत बनेगा देश हित में, समाज हित में, ऐसे तमाम मुद्दों को लाने के लिए जो अब तक शायद कोई और देश का मीडिया नहीं पहुंचाता। ख्याल रखिएगा और आफ्टर सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद। तो भाई गायों को पाल के जो लोग छोड़ देते हैं ना कि भाई गाय हो गई यार छोड़ दो, वो चीज़ गलत है यार। बुढ़ी हो गई तो छोड़ दी, बछड़ा हुआ तो छोड़ दिया, अरे ये भी तो बच्चे हैं यार। जब बस की नहीं है पालना गाय को, उसे दूध पीने के लिए पालते हो, बछड़ा हो गया तो छोड़ दिया, बीमार हो गई छोड़ दी, बुढ़ी हो गई छोड़ दी, ये गलत है ना। इनकी सेवा करो यार, बेफालतू में गौ माता की जय तो हम बोलते हैं, श्रद्धा लोग श्रद्धा करते भी हैं, पर आधे से ज़्यादा लोगों में कोई श्रद्धा नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। तो उन सभी बेजुबानों की जो है ना सेवा करो तो ही फल मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। चलो।